नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। आज आपको विश्व का सबसे बड़ा रामलीला जो काफ़ी प्रसिद्ध है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, जो दिल्ली के लाल किला जो मैदान है उसमें आयोजित होता है। ये कई सालों से होता है, इसकी पूरी जानकारी जो इस बार मैं नहीं दूंगा, यहाँ जो मौजूद हैं राम परिवार के, जो राम दरबार के जो किरदार निभाने वाले जो कलाकार हैं उनमें से हम विभीषण जी को चुने हैं, जो आज आपको इस पूरे किरदार के बारे में जानकारी देंगे। और विभीषण जी तो घर को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आज वो खुद इस पूरे परिवार के बारे में जानकारी देंगे। मोहित जी, आपका इनका परिचय तो मैं खुद करा दूंगा। ये मोहित त्यागी हैं जो घर को तोड़ते हैं जी। लेकिन आज क्या ये जोड़ेंगे या क्या इनको इनके बारे में क्या जानकारी देंगे ये बताएंगे। मोहित जी, अब मैं आपको जो एबीपी लाइव आपके हाथ में देता हूँ और आप मुझे अपने सभी जो किरदार हैं, सभी साथी हैं, उनका परिचय आप करवाइएगा। बिल्कुल, मैं कराता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों तरफ हूँ, प्रभु श्री राम की तरफ और रावण की तरफ। तो अब हम शुरुआत करते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी, कुछ अपने किरदार के बारे में बताइए। मैंने पहले भी काफ़ी बार हनुमान जी का करेक्टर किया है, तो काफ़ी हद तक मेरे को कुछ बातें बहुत अच्छी लगी हैं कि, और मैंने अपने जीवन में भी उनको लागू किया है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। और सबको पता है कि हनुमान जी ने तो रावण की लंका ही जला दी थी, तो इनकी पूंछ में मैं आग लगा के बहुत जल्दी लंका जलाने वाला। हाँ, तो दोनों ही हम लंका ढाने वाले हैं। हाँ, एक ने जलाई और दूसरे ने ढाई। अच्छा, आप ये बताइए, कुछ अपने करियर के बारे में बताइए और आपने क्या क्या काम किए। सोनी पे एक शो आता था, संकट मोचन महाबली हनुमान, मैंने उनमें हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। और कर्म फलदाता शनि, उसमें भी मैं हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। हनुमान जी का करेक्टर मैंने काफ़ी बार किया है और नेगेटिव करेक्टर भी किया है, जो महाभारत में दुशासन का करेक्टर भी किया है, वो नेगेटिव था बिल्कुल, वो अच्छा नहीं लगता वो दुशासन का करेक्टर। लेकिन उसके बाद हनुमान ऑफर हुआ तो बिल्कुल ही इमेज पलट गई। और कोई डायलॉग अपना सुनाना चाहें आप? एक ही डायलॉग है मेरा जो मैं सुनाता हूँ, जिससे पॉजिटिविटी आती है। जय श्री राम। जय श्री राम, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हर हो कलेश विकार। अच्छा, जय श्री राम। एक क्वेश्चन और है मेरे मन में एज ए विभीषण, कि अगर आपको हनुमान जी के अलावा लव कुश रामलीला में कोई किरदार करने के लिए मिले तो आप कौन सा किरदार करना चाहेंगे? विभीषण तो मुझे डर के रहना पड़ेगा, कहीं पता चला मेरा रोल ही ले ले, मैं तो हनुमान जी का ले नहीं पा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने जी का लेने के लिए, पहले बनानी पड़ेगी वो तो नहीं है अभी संभव। अभी मैं अपने बड़े भ्राता श्री जी के पास जा रहा हूँ। भ्राता श्री प्रणाम। विभीषण जी, भ्राता श्री, तुम हमारे पास आए हो, कहो क्या चाहिए? भ्राता श्री, वैसे तो बहुत कुछ पूछना है आपसे, लेकिन मैं ये पहले पूछना चाहता हूँ कि आपने विभीषण को लात क्यों मारी और देश निकाला क्यों दिया? जब जब घर तोड़ने वाले आएंगे लात तो खाएंगे विभीषण, क्यों? हाँ, बिल्कुल, ये तो बनता है। पूछो ब्रादर, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहें? मेरा किरदार जो है मैं पहले भी कर चुका हूं और इस बार फिर करने का मौका मिला है। उस वक्त भी मज़ा आया था, इस बार भी मज़ा लूंगा, क्योंकि मैं कोई स्टेज का आर्टिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन जब जब ये मुझे आता है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है, एक शक्ति सी मेरे अंदर आती है और मेरा मन करता है मुझे ये करना चाहिए, और इस बार फिर कोशिश करूंगा मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको पसंद आएगा। इसकी खास तैयारी को खास नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये है कि एसोसिएशन जो है वो इतनी अच्छी है कि हम लोगों को लाइनें पहले भिजवा देती है, हम उसे अच्छा से प्रिपेयर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो लेकिन एक बात और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, कुछ साल पहले किया था और इस साल भी किया, लेकिन मुझे इस साल जो इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको मैं बहुत बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूं। इनका जो स्टेज का सिस्टम है, जो लाइटिंग है, जो साउंड है, और जो बैठने का, और जो बच्चों के लिए जो खेल कूद के लिए, जो खाने पीने के लिए जो व्यवस्था की गई है, ये बहुत ही मज़ेदार है और इसकी मुझे बेहद खुशी है। और मेरे ख्याल रामलीला का मतलब ही है, हंसते खेलते कुछ सीख के कुछ दिमाग पे साथ ले जाओ तो बड़ी खुशी मिलेगी। और मेरा भी जिस तरह का करेक्टर है, यही कहूँगा, कोशिश करेंगे कि रावण के मुख से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलें जो आपके किस्मत, जो आपके आपके लिए ज़िंदगी में फ़ायदेमंद हों, जो गलत भी हैं और बहुत सारी अच्छी भी हैं, तो फॉलो वही कीजिए जो अच्छी है।
मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 2017 में मैंने शंकर जी का किरदार किया था 11 दिन, सर ने तब रावण का किरदार किया था हमारे यहाँ पे, तो मुझे शंकर जी का किरदार करते हुए ये लगता था क्यों ना मुझे भी थोड़ा बहुत मौका मिले सर की तरह परफॉर्म करने का। और मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, लंकर तो हम ढाएंगे कुछ भी हो जाए, आदत से बाज नहीं आएंगे। जी प्रताप जी, जय श्री राम। अब आ गए हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम, अब आप अपने किरदार के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, जो रचा जा रहा है, जो किया जा रहा है, सब कुछ जो है वो प्रभु राम के इर्द गिर्द ही हो रहा है। अगर प्रभु राम है तो तभी ये सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं होता। ये किरदार इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा है, ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पर आ गई है। इस तरीके का भाव जो है हमारे दिलो दिमाग में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि हम वो माध्यम बने हैं जिस माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से हो रहा है। जो संस्कार हिंदुओं के जो हैं वो रामायण से आए हैं। आज जितने भी 90% हिंदू हैं, यंगस्टर्स हैं, वो संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। आज अगर आप किसी भी परिवार में जाएंगे तो भाई की भाई से लड़ाई है, पिता की पुत्र से लड़ाई है, है ना? माता का पिता का सम्मान बच्चे नहीं करते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पर लगे हैं। लेकिन ये रामायण एक ऐसी चीज़ है जो ये सभी रिश्तों की सही परिभाषा आपको सिखाती है। सही मार्ग क्या है जीवन का, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसमें डिफरेंशिएट करके आपको सही मार्ग पर चलना सिखाती है। तो ऐसा किरदार करना पहली बार नहीं किया, जेटीवी रामायण में भी किया, संकट मोचन में भी किया, इसमें भी कई बार कर चुका हूँ और सौभाग्यशाली हूँ, काफ़ी बार राम का किरदार करने को मिलता है और इस बार भी तैयारी ज़ोरों शोरों से है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी, ज़्यादातर मैं देखता हूं बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा आकर इसे देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने जो पुत्र हैं और पोता पोती हैं उनको आप लेकर चाहिए, क्योंकि वो आने वाला भविष्य इस देश का वही है, तो उनको धर्म की सही परिभाषा पता होनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है और एक किरदार निभाने के लिए आज आपके सामने खड़े हैं। आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहें? अपकमिंग प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म की तैयारी कर रहा हूं जो कि श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया के बीच का प्रोजेक्ट है। भगवान बुद्ध पे वो फिल्म बननी है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और उम्मीद करता हूं कि वहां पर भी एक अच्छा जो है मार्गदर्शन लोगों का मैं कर पाऊंगा आने वाले समय। कोई डायलॉग आप बोलना चाहें? डायलॉग तो कितने बार डायलॉग हमने बोल ही दिया है, क्या कहते हैं, हर डायलॉग की अपनी मान्यता है। आप सीता के लिए बोल दें, मत सीता जब वो वनवास जा रहे होते हैं तो सीता जी दौड़ी आती हैं राम के पास और कहती हैं कि भी उन्हें भी साथ जाना है, जिद करने लगती हैं, तो राम जी फिर उनको बड़े अपने जिसे कहते हैं मर्यादा पूर्वक शांति पूर्वक समझाते हैं। सीते, तुम मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। सीते, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, पिता का ख्याल कौन रखेगा, वनवास में तुम्हें कंद फूल खाने पड़ेंगे। ऐसी कुछ अब मैं नहीं, याद नहीं है बाकी बोलूंगा तो आज। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ, गगन सर के साथ मैंने कई बारी काम किया, दो बारी लक्ष्मण जी का भी किरदार करने का मौका मिला, अभी विभीषण बन रहा हूँ मैं, इधर भी हूँ और उधर भी हूँ। और उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, इनसे जितना सीखो एज एन एक्टर, एज एन सीनियर, उतना ही कम है। अब हम बढ़ते हैं माता सीता की तरफ। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बताइए अपने किरदार के बारे में। किरदार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मेरा गेटअप है और लव कुश रामलीला में माता सीता जी का किरदार निभाने जा रहे हैं। कोई अपने डायलॉग्स बोलना चाहें? बहुत बार बोल दिया, चलो एक बार और। आपके साथ वाली बोलती हूँ तो मेरा लक्ष्मण जी के साथ जो संवाद है मैं उसे बोलने जा रही हूँ। हे लक्ष्मण, मैंने यह जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से वन जो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। जय श्री राम। अब हम चलते हैं लक्ष्मण जी के पास जो कि कर रहे हैं दिशांत अरोड़ा जी, अब उनसे हम बात करते हैं। तो दिशांत जी, अपने लक्ष्मण जी के किरदार के बारे में कुछ बताइए। लक्ष्मण जी का जो किरदार है वो मैं निभा रहा हूँ पहली बार लव कुश रामलीला में और बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो लक्ष्मण जी थे वो हर चीज़ अपने बड़े भाई राम जी से पूछ के करते थे, सही हो गलत हो, लेकिन हमेशा क्रोधित रहते थे। उस चक्कर में बहुत चीज़ें गलत भी हुई हैं और आई थिंक हम सबको रामायण देखनी चाहिए और अपने बड़ों की जो है वो मानना मानना चाहिए सुनना चाहिए ताकि हम आगे से कोई भी गलती ना करें और अगर करें तो उसको सुधार लें। जो आपने पूर्व में प्रोजेक्ट किए हैं उनके बारे में कुछ आप बताना चाहें। मैंने एक शो किया था जी जी माँ जो स्टार भारत पे था, जिसमें मेरे कैरेक्टर नाम था सोया शरावत। अच्छा। लेकिन वो न्यू एज राम था कि वो अपनी माँ के लिए वो कुछ भी कर देगा, तो उसको नाम कैरेक्टर दे गया था कि वो न्यू एज राम है, तो वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने एक शो किया था राजा बेटा जो जी टी वी पे था, और मैंने एक फिल्म की है जो मिसिंग ऑन अ वीकेंड जो अमेजोन प्राइम पे है, और अब मुझे ये मौका मिल रहा है जी इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट, और मिलके हम रहेंगे क्योंकि मैं इधर भी हूँ और उधर भी हूँ। आइए एबीपी वाले भैया, अब आपका नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहित त्यागी जी ने पूरे राम जो दरबार है, जो राम लीला जो आयोजन होगा ये लवकुश, ये जो लाल किला में लगातार ये कल से 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप लोग देख सकते हैं, लाइव आके देखिए। और करीब 40 हमारे प्लेटफॉर्म है जिन पे हमारी लवकुश रामलीला लाइव जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, यहाँ पर देखिए, बच्चों को भी साथ ले आइए। जय श्री राम। सबसे अच्छी बात पूरे आज जो बातचीत जिन्होंने की है, जानकारी जिन्होंने ली अपने किरदारों के साथ साथ लोगों के, तो हमारे श्री राम जो है किरदार, उन्होंने सबसे अच्छी बात बोली है कि इस रामलीला में बड़े बुजुर्ग जरूर आते हैं, बच्चे बहुत कम आते हैं। आपने सही बोला ना। हाँ बिल्कुल यही बोला ना, क्योंकि क्या है कि बच्चों को शौक़ है जो अभी नई सारी चीज़ें वीडियो गेम्स का, बाकी सारी चीज़ों का, वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्गों की ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि वो बच्चों को वहाँ लेकर आएँ। कहीं ना कहीं ये हमें मालूम होना चाहिए ना, हिंदुओं के जो संस्कार आए हैं वो रामायण से ही आए हैं ना, तो आप संस्कार जो भूलते जा रहे हैं जब तक उन्हें दिखाओगे नहीं तब तक वो सीखेंगे कैसे, इसलिए सब मैं चाहता हूँ सब उनको लेकर आए इस बार बच्चों को। तो आपने सुना राम जी ने जो कहा कि इस बार, और बार भी रामलीला हुई है लेकिन इस बार बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चे को लेकर आए और बच्चे भी आए, ये नहीं कि सिर्फ माता पिता ही बच्चे को लेकर, बच्चे भी देखने आए राम राम कथा, ताकि उनको पता चले कि आखिर रामायण है क्या, इससे क्या सीख मिलती है। हाँ थोड़ा बहुत डरने वाले भी जो किरदार हैं, रावण जो हमारे हैं मुकेश ऋषि सर, ये तो काफी हाँ बोलिए सर, आपसे लोग डरते हैं, हम चाहते हैं कि आप ऐसी कुछ बातें बोलें जो युवा और बच्चे हैं वो आपसे मतलब खुश हो के आपके जो कुछ ऐसे शब्द जो सुन के वो आए इस बात। बिल्कुल नहीं डरना पुत्र, कभी नहीं डरना, भरोसा रखो, जब अपने आप पे भरोसा है तो डरने की क्या बात है। हम ये चाहते हैं बच्चे डरना क्यों, मैं वो चीज कर रहा हूं जो सिर्फ एक ही बार बनी है और एक ही बार लिखी गई है, उसी में ही जिंदगी सारी पड़ी हुई है कि बड़े तो बन जाओ लेकिन बड़े हो के बैर मत करो, अपने पे उतना घमंड मत करो। तो जहाँ आप इतने बड़े बनने के लिए ऊपर जाओगे और वहीं से ही जब भगवान ने सीढ़ी खींच दी सीधा नीचे आए, यही है, यही लिखा है रामायण में। इसे भी पढ़िए, दिल से पढ़िए और आइए, ज़रूर देखने आइए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके दिल में कोई ना कोई अच्छी बात भर दे। लव यू। तो आप ज़रूर इस बार अपने बच्चों के साथ, चाहे वो छोटे हों या बड़े बच्चे, सभी को लेके इस बार के लवकुश रामलीला में जो विश्व प्रसिद्ध है उसमें देखने के लिए जरूर पहुंचिए। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।